हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी विषय का सिलेबस। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र विषय का जो सिलेबस है वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसका कोर्स कोड देख लेना। देन इसका कोर्स टाइटल नेम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाओं का परिचय, ये इसका टाइटल नेम है। और इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 100 एंड मिनिमम मार्क्स हैं इसके 33। और फ्रेंड्स, इसके सिलेबस को हमने आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में तैयार किया है ताकि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख पाएँ और अपना सिलेबस कवर कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, इसके सिलेबस को 8 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। और अगर आप इसके पूरे सिलेबस को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको हमारी वीडियो में कंटिन्यू वॉच करना पड़ेगा, वो भी लास्ट तक, तभी आप यूनिट 8 तक जान पाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, इसके यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ाया जाएगा सोशियोलॉजी मीनिंग नेचर स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि सोशियोलॉजी समाजशास्त्र मीनिंग इसके अर्थ के बारे में। देन आपको इसका जो प्रकृति है उसके बारे में पढ़ना है। देन आपको स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो पढ़ना है। देन आपको सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस के बारे में पढ़ना है। फिर आपको सोशियोलॉजी एज अ साइंस ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन इन सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। देन आपको हिस्ट्री एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया यानी कि हिंदी में देख लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। समाजशास्त्र, देन अर्थ प्रकृति, समाजशास्त्र का दायरा के बारे में पढ़ना है, समाजशास्त्र और सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ना है, एक वैज्ञानिक रूप में समाजशास्त्र को पढ़ना है। देन आपको मानवतावादी अभिविन्यास द्वितीय समाज के बारे में शास्त्र के बारे में पढ़ना है। फिर जो भारत में समाजशास्त्र का इतिहास रह चुका है और इसका यानी कि इसकी कैसे उद्भव हुआ, ओरिजिन हुआ हमारे इंडिया में, कैसे ये एक सब्जेक्ट के रूप में आया समाजशास्त्र, उसके बारे में आपको पढ़ना है। चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए इसके यूनिट सेकंड पर। तो इसके यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना है सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस के बारे में यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस यानी समाजशास्त्र और अन्य विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान। चलिए चलते हैं यूनिट थर्ड पर। इसके यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि सोसाइटी कम्युनिटी इंस्ट्रक्शंस, एसोसिएशन, सोशल ग्रुप, ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी यानी समाज के बारे में पढ़ना है। और आइए देखते हैं समाजों के बारे में आपको पढ़ना है, बुनियादी अवधारणाएं पढ़नी है। फिर समाज समुदाय के बारे में पढ़ना है, संस्था, संघ, सामाजिक समूह, मानव और पशु समाज के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए चलते हैं यूनिट फोर्थ पर। यूनिट फोर्थ में आपको पढ़ना है सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, किनशिप, मैरिज, एजुकेशन, स्टेट एंड रिलीजन यानी कि सामाजिक संस्थाएं के बारे में पढ़ना है, जैसे कि परिवार, रिश्तेदारी, विवाह, शिक्षा, राज्य और धर्म के बारे में। देन आपको यूनिट फिफ्थ में आपको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं यूनिट फिफ्थ में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है संस्कृति और सभ्यता के बारे में और बहुलवाद, बहुसंस्कृतिवाद के बारे में। देन आपको सांस्कृतिक के बारे में पढ़ना है, जैसे कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बारे में। देन आपको प्लूरलिज्म के बारे में, देन आपको मल्टी कल्चरलिज्म के बारे में, देन आपको कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में पढ़ना है। चलिए चलते हैं यूनिट सिक्स में आपको क्या 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 पढ़ना है। यूनिट सिक्स में आपको पढ़ना है सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के बारे में, जैसे कि सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, संस्कृतिकरण के बारे में। देन आपको आत्मसातकरण एवं एकीकरण के बारे में पढ़ना है। इंग्लिश में देख लेते हैं सोशियो कल्चरल के बारे में, कल्चरल के बारे में पढ़ना है, प्रोसेस के बारे में यानी सोशियो कल्चरल प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, कोऑपरेशन, कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, एक्यूकुलरिज्म के बारे में पढ़ना है। देन आपको एसिमिलेशन के बारे में पढ़ना है एंड इंटग्रेशन के बारे में पढ़ना है। चलिए चलते हैं यूनिट सेवन्थ, तो आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट सेवन्थ में आपको पढ़ना है सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, स्टेटस एंड रूल के बारे में, नॉर्म्स के बारे में, फोकवेज के बारे में एंड मोड्स के बारे में, संस्कृत के बारे में एंड इसकी वैल्यूज के बारे में पढ़ रहा है, जैसे कि सामाजिक संरचना, स्थिति और भूमिका, मानदंड, लोक रीतियाँ और रीति रिवाज
के बारे में पढ़ना है, फिर स्वीकृतियाँ और मूल्य के बारे में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं यूनिट 8th में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है सोशल, अरे कहाँ गया, इसमें आपको पढ़ना है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, इसके मीनिंग फॉर्म्स एंड बेसिस सोशल के बारे में, मोबाइलिटी के बारे में, मीनिंग एंड टैक्स के बारे में, यानी कि सामाजिक स्थिरीकरण के बारे में पढ़ना है, इसके अर्थ स्वरूप एवं आधार के बारे में, फिर आपको सामाजिक गतिशीलता एवं इसके अर्थ एवं इसके प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स ये थी सोशियोलॉजी की जो सिलेबस है उसकी वीडियो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रही होगी, आपको इसके सिलेबस के बारे में पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।